सो हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। सो माई सेल्फ अभिनव अवस्थी, और आज हम लोग बात करने वाले हैं कोड सेफ लंच टाइम मार्च 2021 डिवीज़न 3 के। एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हम लोग इस वीडियो में उसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मोटिवेशन को डिस्कस करेंगे। हम लोग पहले उसको समझेंगे, उसके बाद कोड भी डिस्कस करेंगे कि उसका क्या कोड हो सकता है। सो ओके, स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज मोटिवेशन। ओके, सो पहले तो इस क्वेश्चन को समझते हैं कि इसमें है क्या। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सेफ हैज़ बीन सर्चिंग फॉर अ गुड मोटिवेशनल मूवी दैट ही कैन वॉच ड्यूरिंग एग्जाम टाइम। हिज हार्ड डिस्क हैज़ एक्स जी बी ऑफ स्पेस रिमेनिंग। उसकी हार्ड डिस्क में, उसके कंप्यूटर में, उसके डेस्कटॉप में एक्स जी बी स्पेस रिमेनिंग है। हिज फ्रेंड हैज़ एन मूवीज। उसका एक फ्रेंड है, उसके पास एन मूवीज हैं। ओके, और जो हर मूवी की एक पर्टिकुलर मेमोरी है और उसकी एक IMDB रेटिंग है। ओके, सो सेफ क्या चाहता है? सेफ चूज द सिंगल बेस्ट मूवी हाईएस्ट IMDB रेटिंग दैट कैन फिट इन हिज हार्ड डिस्क। ऐसी एक मूवी बताइए इन लिस्ट में से जो उसके फ्रेंड के पास मूवीज की लिस्ट है, जिनमें से वो उसके लैपटॉप में भी आ जाए, उसके हार्ड डिस्क के साइज के अंदर आ जाए और उसकी रेटिंग भी अच्छी हो, मूवी अच्छी हो। तो इसके लिए सबसे पहले तो देखो, सीरियस लॉजिक है, हमें कुछ नहीं करना होगा, दो चीज़ें चेक करनी होंगी। पहली चीज़ कि कौन सी सबसे ज़्यादा IMDb रेटिंग की कौन सी मूवी है, और दूसरी चीज़ ये होगी कि वो उसकी जो स्पेस है, उसकी जो मेमोरी है उस मूवी की, वो उसकी हार्ड डिस्क में आ जाए। ओके, तो दो चीज़ें हम लोगों को चेक करनी पड़ेंगी। तो हम लोग अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो माई सबमिशंस पे जब जाते हैं तो मेरे सबमिशंस आ गए यहाँ पर एंड व्यू सबमिशन। सो दिस इज़ माई सबमिशन फॉर द क्वेश्चन। सो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना था इसमें, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर इनपुट देखते हैं पहले। सो सबसे पहले इनपुट, फिर आउटपुट देखा जाएगा। तो इनपुट में क्या है, सबसे पहले भैया आपको टी टेस्ट केसेस फॉलो करने हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक इन टी वेरिएबल ले लिया और फिर वहाँ पे टी को इनपुट करा लिया है। ये आप, ये जो कोड है आपको, ये आपको मुझे मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगा। आप मेरी वेबसाइट विजिट करके वहाँ से आप इस कोड को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं और बाकी समझने के लिए आप यहाँ पर कोड देख सकते हैं। सो ये रहा। उसके बाद टी के बाद में क्या कह रहा है कि एन और एक्स इनपुट कराना है। एक्स क्या है, एक्स है उसके पास कितनी स्पेस है हार्ड डिस्क में, और एन क्या है, कितनी मूवीज़ है उसके फ्रेंड के पास। तो हम लोगों ने देखिए यहाँ पे एन और एक्स दोनों को इनपुट करा लिया है। ओके, सो ये यहाँ पर C++ का कोड है, पर मैं अपनी वेबसाइट पर जावा का कोड भी कोशिश करूँगा कि अपलोड कर दूँ। उसके बाद एन लाइंस फॉलो, फिर हर मूवी का, जैसे यहाँ पे एन मूवीज है तो हर मूवी के लिए उस मूवी की स्पेस कितनी है और उस मूवी की रेटिंग कितनी है, उसे हम लोग को यहाँ पे इनपुट कराना है। उसको मैंने यहाँ पर डबल डायमेंशनल एरे में उसमें स्टोर किया है, टू डायमेंशनल एरे में, इंट ARR एन 2। ओके, सो ये मैंने इतना किया। उसके बाद देखते हैं क्या करना है। उसके बाद हम लोग को आउटपुट क्या करना है कि कौन सी मूवी, मतलब वो कौन सी मूवी होगी जो सेफ चूज करे, तो हम लोग को उस मूवी की रेटिंग बतानी है, एक हाईएस्ट रेटिंग बतानी है कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेटिंग कौन सी मूवी हो सकती है जिसको सेफ चूज कर सकता है और वो उसके मेमोरी के अंदर भी आ जाए। तो इसके लिए मैंने देखिए कुछ नहीं किया है, मैंने सबसे पहले तो यहाँ पर सारी इनपुट करा लिया। तो हमारे पास हमारी एरे में हर मूवी के दो वेरिएबल्स हैं, मूवी का की मेमोरी कितनी है और मूवी की रेटिंग कितनी है। हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि जो वो रेटिंग, जो मेमोरी है मूवी की, वो जितना स्टोरेज उसको चाहिए, क्या वो स्टोरेज है हार्ड डिस्क में सेफ की। तो हम लोगों ने आप चेक किया कि जो ARR I0 है, जीरो इंडेक्स पे, क्योंकि उस मूवी की मेमोरी पड़ी हुई है, उसको चेक किया हम लोगों ने एक्स से कि क्या वो उससे कम है या इक्वल है, ताकि वो हार्ड डिस्क के अंदर आ पाए मूवी। अगर वो है ऐसा तो हम लोगों ने उसकी रेटिंग चेक किया, और इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर जो मैक्सिमम रेटिंग थी उसको चेक कर लिया है, और फिर लास्ट में हम लोगों ने मैक्सिमम रेटिंग को यहाँ पर प्रिंट करा लिया है। ओके, सो आई थिंक ये बहुत ही ईजी था क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अभी कोई भी डाउट हो आपका, मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टा पर भी DM कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। और ये देखिए यहाँ पर मेरा ये सक्सेसफुल एग्जीक्यूटेड हो गया था। ये कोड आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगा, abhinavawasthi.code.blog, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर मैं आपको सारे क्वेश्चंस के कोड डाल दूंगा। और आई थिंक आपको इस वीडियो के, आई होप आपको समझ में आई हुई वीडियो में, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे फील फ्री टू आस्क। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।